चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी वो एक दिन एबीपी खूब चलाया, मैं गया था अपने लाइन में जब लोग लगे थे, तो मैं सोचो क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे। चूतिया बनाया तुमको। तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस सब मुस्कुराने लगे। समझ रहे हो ना? वाह क्या सीन है। देश भक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, गजब बेइज्जती है। तकलीफों से सज रही भारत की बोले हम लोग लगे रहेंगे तीस तारीख। हम तो चूतिए हैं। चूतिया काट दिया। दोस्तों सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी का जब से यह वीडियो आया है तब से बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद देश लाइन में खड़ी थी, लेकिन देशभक्ति का चोला ओढ़े बीजेपी के दिल्ली प्रभारी मनोज तिवारी ने देश की जनता का ऐसा मजाक उड़ाया जिसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं। मनोज तिवारी और पार्टी का असली रंग इसमें दिख रहा है। देखिए जनता की हो रही परेशानियों को किस तरह से मजाक बनाकर उड़ाया जा रहा है मनोज एंड कंपनी के द्वारा। बीजेपी दिल्ली के चीफ मनोज तिवारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो नोटबंदी के बाद लाइन में लगे मासूम जनता की परेशानियों का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोज तिवारी नए साल का जश्न मना रहे हैं, साथ ही अपने साथियों को मीडिया के साथ बातचीत का अनुभव शेयर कर रहे हैं। मनोज तिवारी वीडियो में एक गाना गा रहे हैं जो उन्होंने मीडिया के एक सवाल पूछने पर गाया था। मनोज के साथ वीडियो में दिल्ली से ही बीजेपी के MLA विजेंद्र गुप्ता भी हैं। जानकारी के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता ने ही नए साल के उपलक्ष्य में पार्टी दी थी। अपना अनुभव शेयर करते हुए मनोज कहते हैं कि मैं अपने क्षेत्र के लाइन में खड़ा था, तो वहाँ मैंने सोचा कि आखिर इन लोगों से क्या कहूँ तो ये लोग खुश होंगे, क्योंकि यहाँ सारा देशभक्त लाइन में लगा था और बुद्धिजीवी जो दिखते हैं वो भी यही हैं, तो उनको खुश करने के लिए मैंने गाना गाया। मेरे गाना गाने के बाद वो लोग उत्साहित हो गए और कहा कि देश के लिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं, 30 तक परेशानी झेलेंगे, आगे भी सहन करने के लिए तैयार हैं। इस पर मैंने भी कहा है देश बदलने के लिए तो परेशानी झेलनी ही पड़ेगी, लगे रहो लाइन में। इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बवाल भी मच रहा है। लोग भाजपा का असली रूप लिखकर शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो छिपाने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।